होली में रंगों के साथ पिचकारियां बिकती हैं, उसके साथ साथ खाने पीने की बात करूं तो खाने पीने में नॉनवेज की आइटम्स भी खूब डिमांड में रहती हैं। ऐसे में चिकन मटन खरीदने वालों की भी भीड़ दुकानों के बाहर देखने को मिलती है। ऐसे में हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि क्या कुछ डिमांड जो है इस बार के होली में देखने को मिल रहा है। और देखिए, स्टॉक जो है हर बार की तरह मंगा कर रखा जाता है, ताकि क्योंकि होली में चिकन और मटन बहुत सारे जो लोग हैं वो खाते हैं। ऐसे में जो दुकानदार हैं वो भी अधिक मात्रा में स्टॉक जो है वो मंगा कर रखते हैं, चाहे चिकन की बात कर लूँ या फिर मटन की बात कर लूँ। इस बार भी संभवतः जो है स्टॉक मंगाया गया होगा और डिमांड जो है शाम से देखना शुरू हो जाएगा, और जो ग्राहक है उनकी भीड़ भी शाम से दिखनी शुरू हो जाएगी, और लोग जो हैं कल भी सुबह यहाँ पहुँचेंगे और ख़रीदारी करेंगे। दुकानदार से उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ जो है डिमांड देखने को मिल रहा है। भैया, एक्स्ट्रा स्टॉक मंगाए हैं हर बार, क्योंकि ये डिमांड तो देखा जाता है। स्टॉक मंगाए मगर अभी सुबह से तो बिक्री नहीं है, हो सकता शाम से अगर हो जाए तो ठीक है। मन शाम को ही रहता है, शाम और सुबह। आज क्या चीज था, आज तो संडे भी था, आज बाजार नहीं था। शाम को लग रहा है अभी शाम तो हो चुका है। हो सकता है शाम तो हो चुका, मगर आप देखते हैं शाम तक अगर हो जाए तो। कल सुबह के बाद तो बंद रखेगा दुकान? नहीं, सुबह को बंद नहीं रखा, कल ही तो सुबह के बाद जो है। सुबह के बाद बंद नहीं रखा जाएगा, खुलेगा सुबह में। सुबह के बाद दोपहर? हाँ, दोपहर में बंद हो जाएगा ना, 2 बजे के बाद बंद हो जाएगा। मार्केट तो सुबह और शाम ही दिखता है ना, यही दो टाइम रहता है, और इतना रहता है जितना हम लोग भी देखते रहते हैं, तो भीड़ इतना रहता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आदमी यहाँ 6-7 को काटने वाला रखना पड़ता है हम लोग को, मगर अभी इतना अंदर भी माल है, यहाँ भी माल है पड़ा हुआ, हमसे बिक्री होगा इसीलिए इतना माल मंगा लिया, मगर बिक्री अभी तो नहीं, वही 1.5-2 क्विंटल है। ये देसी तो है 70 किलो जी, फारा वाला 2-2.5 क्विंटल है। बस ये मुर्गा ही बेचते हैं कि और भी कुछ? खाली मुर्गा ही बेचते हैं। उम्मीद है कि अच्छा होगा मार? हाँ होगा, ऊपर वाला का दुआ रहेगा तो हो जाएगा, अच्छा होगा। और देखिए, काफ़ी मात्रा में जो स्टॉक भी है वो मंगाया हुआ है, देसी के साथ जो फार्म का मुर्गा है वो मंगाया हुआ, साथ साथ देखिए मछली का भी जो है डिमांड रहता है, तो मछली के भी जो आइटम्स है वो यहाँ पर मंगाया हुआ है, और बहुत सारे आपको प्रकार की जो मछलियां हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगी। और क्या कुछ डिमांड इस बार रहने वाला है हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सी मछलियाँ मंगाए हैं? सब है, रेहू कतला सब है भैया। मतलब एक्स्ट्रा कुछ स्टॉक मंगाए हैं? एक्स्ट्रा तो स्टॉक कल के लिए। कल के लिए खेकड़ा, और उधर सबसे वैरायटी वैरायटी मछली रखा है कोना में, वो कछुआ खेकड़ा सब मिलता है, हिलसा उलसा सब। डिमांड तो कल काफ़ी रहेगा, आज शाम से ही डिमांड तो रहेगा, कल आज ही शाम से पता चल जाएगा कैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, समझे ना। एक्स्ट्रा स्टॉक एक्स्ट्रा कितना रहेगा? 2-3 पेटी। 2-3 पेटी एक्स्ट्रा? हाँ, और कितना रहेगा बोलिए? 2 घंटा में माल खत्म हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा बस। देखिए, तो मछली जो है आप, ये जिंदा मछलियाँ हैं, कुछ और भी प्रकार की जो मछलियाँ हैं वो मंगाई गई है। तो ये पूरा मार्केट है जहाँ चिकन और मटन जो है आपको दिखाई देंगे, लोग जो है यहाँ पर खरीदते हैं, और खूब जो है आप देखिए जो पे बकरा है वो, ताकि जो है कल बहुत सारे जो लोग हैं उनका मांस खाना पसंद करते हैं, जो यहाँ पर खरीदार हैं उनसे ही बात कर लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है। भाई, कहाँ से क्या खरीदना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ कैसे हैं? मैंने क्या खरीदना है? सॉरी। देखिए, बहुत सारे खरीदार आए हुए तो है खरीदने, और अभी उतनी भीड़ नहीं दिख रही, संभवतः जो है कुछ देर के बाद यहाँ पे भीड़ दिखाई देगी। और एक्स्ट्रा स्टॉक जो है वो मंगाया हुआ है, और देखिए मछली आपको दिखाई देगा, और पूरा मार्केट जो है आपको नॉनवेज दिखाई देगा, खस्सी मटन चिकन सभी जो है यहाँ पे आइटम दिखाई देगा, और तो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर खरीदने के लिए पहुँचते हैं। अच्छा भैया, कितना एक्स्ट्रा स्टॉक मंगाए हैं? कितना स्टॉक? 6 क्विंटल 600 केजी मंगाए हैं, सुबह तक खत्म हो जाना चाहिए। बकरा रखने के लिए? मटन ने मटन उधर ना बोलिएगा आप, चिकन वाला दोनों अलग अलग है। अच्छा, चिकन 1 क्विंटल है, अभी सुबह आएगा 2 क्विंटल। ये भी दोनों मछली वाला भी आप ही का है? मुर्गा दुकान हम ही लोग का है। लग रहा है कि पिछले बार की तरह होगा मार्केट? होगा, शाम में लगेगा। 5 पेटी एक्स्ट्रा लाया है? नहीं, 5 पेटी नहीं, मुर्गी आएगा सुबह 3 क्विंटल, और अभी आ गया 1 क्विंटल,
और पूरा बिके बिकेगा। सुबह बाजार रहेगा, आज तो नहीं है वैसा बाजार, शाम में पूरा रहेगा। फिलहाल जो है मार्केट में रौनक नहीं दिख रही, लेकिन कुछ घंटों के बाद जो है और सुबह के समय जो है आपको मार्केट में रौनक दिखाई देगी। और बहुत सारे जो लोग होली के समय में नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, चिकन मटन या फिर जितने भी नॉनवेज के आइटम्स होते हैं, जिसमें जो लोग हैं वो मछली मुर्गा और जो मटन है वो इस्तेमाल करते। देखिए ये जो है, अब देखिए एक बड़ा मार्केट है, जिस तरह से मैंने बताया कि मछली मुर्गा और मटन सब यहाँ पर मिलता है। और देखिए मछलियाँ जो है आपको यहाँ दिखाई देगी, और काफ़ी संख्या में जो है मछली आपको अलग अलग प्रकार की वो यहाँ पर दिखाई देगी। और देखिए अलग प्रकार की जो मछलियाँ, भाई कौन कौन सा मछली है यहाँ पर, कौन कौन सा मछली, अलग अलग प्रकार बहुत तरह का है ना। ये बामी है, पापड़ा है, बड़ा टाइगर प्रॉन है, चिंगड़ी है, पापड़ा है, उधर खेखड़ा है, सब रेहू कतला ये सब है, समुंदर का है। शाम तक बिकता है, रात में फिर कल आएगा, दूसरा कल फिर आएगा। खुश है ना मार्केट, दुकानदार खुश हैं क्योंकि होली के समय में जो है बिक्री काफी अच्छी होती है और हर प्रकार के जो माल है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। मछलियों की बात करें तो और उसके साथ चिकन या फिर मटन सभी की बिक्री जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि हर बार के होली में यही होता है। और काफी संख्या में जो ग्राहक वो यहाँ पहुँचते हैं और मटन चिकन खरीदते हैं और कहीं ना कहीं जो है उसका स्वाद का आनंद लेते हैं और साथ में होली भी मनाते हैं। न्यूज़ बायोस्कोप के लिए कार्यप्रसन्न तापस के साथ नीरज कुमार। आपके बच्चों के स्वर्गीय और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हम है आपके स्वागत को तैयार, करेंगे आपके सपनों को साकार।